नमस्कार दोस्तों। गाइस यूं तो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने वाले ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि वीडियो डोरफोन इंस्टॉल करना कितना सिंपल काम है, लेकिन अभी भी जो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने नया काम स्टार्ट किया है या फिर जिन्होंने अभी तक वीडियो डोरफोन को इंस्टॉल नहीं किया है, कहीं ना कहीं उनके माइंड पर एक चीज़ चलती है कि वीडियो डोरफोन इंस्टॉल करना मुश्किल काम है। सो आज मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर लेके, क्वेश्चन आपके क्या क्या हो सकते हैं कि भैया वायरिंग का डायग्राम कैसा होना चाहिए, अगर एक फ्लोर है तो हमें वायरिंग कैसे करनी चाहिए, अगर चार फ्लोर हैं तो हमें कनेक्शन कैसे करने चाहिए, वायरिंग कैसे करनी चाहिए, वीडियो डोरफोन में AGPV जो कि हर फोन में होता है उसका मतलब क्या क्या होता है, इसके कनेक्शन कैसे करने चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक लॉक से जोड़ने के लिए पावर सप्लाई कौन सी लगनी चाहिए, या फिर इसके अंदर आपको क्या क्या सामान चाहिए होता है इंस्टॉल करने के लिए, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर, मतलब मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जो भी लोग वीडियो डोरफोन को इंस्टॉल करने से डरते हैं उनका डर खत्म हो जाए। गाइस मेरी वीडियो में एक ही कोशिश होती है कि मेरी वीडियो को देख के किसी एक जने का भी फ्यूचर सेट हो सकता है, किसी एक जने का भी डर खत्म हो सकता है, तो वीडियो के पैसे वसूल हैं। सो गाइस नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन। आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ वीडियो डोरफोन को लेकर। मेरे पास एक वीडियो डोरफोन भी है जो कि CP+ का है, तो CP+ को लेकर आज की वीडियो है, लेकिन सिर्फ इसके कनेक्शन सीख के आप सीख जाएंगे कि आपके पास किसी और ब्रांड का भी हो सकता है, जैसे कि अल्बा का आता है, हॉकविजन का आता है, गोदरेज का आता है, या फिर कतेरी बतेरी कंपनियां हिकविजन का भी आता है। सो उन सब के कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं वो सब भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आप वीडियो डोरफोन इंस्टॉल करने वाले हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है वायरिंग करना। जब भी बिल्डिंग बन रही होती है, कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तो हमेशा बिल्डर पूछता है कि भैया वायरिंग कैसे कैसे छोड़नी है। सो आज मैं आपको इन सब चीज़ों का आंसर देने वाला हूं। तो इसमें सबसे पहला काम है कि वायरिंग का डायग्राम कैसा होना चाहिए, देन हम बात करेंगे कनेक्शन कैसे होने चाहिए, उसमें लॉक कैसे इंस्टॉल होता है, तो उन चीज़ों के बारे में। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि आपका जो वायरिंग का है कि वायर डालनी है तो कौन सी वायर डालनी चाहिए और वायरिंग का डायग्राम कैसा होना चाहिए। गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपका सिंगल फ्लोर है, किसी एक बंदे को ही वीडियो डोरफोन इंस्टॉल करना है तो उसे वायर कैसे छोड़नी पड़ेगी। गाइस सबसे पहले हो गया मेन गेट। मेन गेट पे हमारी ऑर्डिनरी बेल भी लगी होती है, घर से बाहर की बात कर रहा हूँ, जहाँ से कोई भी आता है अननोन पर्सन वो बेल मारता है, तो वहाँ पर हमें लगाना पड़ता है आउटडोर बॉक्स। अब आउटडोर बॉक्स किस टाइप का होता है आप देख के समझ जाएंगे। सो बेसिकली ये है आउटडोर बॉक्स CP+ का। सो ये होती है बेल, कोई बेल मारता है तो अंदर बेल बजती है। सो इसको जहाँ पे लगाना पड़ता है, यहाँ से आपको एक वायर खींचनी पड़ती है जिस भी फ्लोर पे आपको मॉनिटर लगाना है। ये हो गया मॉनिटर और ये हो गया आउटडोर बॉक्स। तो आउटडोर बॉक्स से एक सिंपल सी वायर आपको देनी है मॉनिटर तक, ये सिंपल से कनेक्शन है। कौन सी वायर देनी है, ये वायर देनी है आपने 3+1 CCTV वायर दे सकते हैं, 4+1 दे सकते हैं, 5+1 6+1 जो भी वायर देते हैं आप चाहें वो दे सकते हैं। कई लोग Cat6 वायर भी लगाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि जो क्लैरिटी है वो कंपेयर टू 3+1 या 4+1 Cat6 में हल्की सी डल हो जाती है, तो कंपनी वाले भी प्रेफर नहीं करते और मैं भी प्रेफर नहीं करता अगर आपका वीडियो डोरफोन जो है वो IP बेस्ड नहीं है। एनालॉग जो हमारे जो फ़ोन आते हैं, एनालॉग वीडियो फोन जो आते हैं, उसमें कोई भी नीड नहीं होती हमें Cat6 वायर डालने की। हाँ अगर आप IP बेस लगा रहे हैं तो आपको Cat6 वायर डलवानी पड़ेगी। तो वीडियो डोरफोन का इंडोर जो स्क्रीन होती है वो किस टाइप की होती है वो भी आप एक बार देख लीजिए। ये इंडोर स्क्रीन है, तो बेसिकली ये कनेक्शन कैसे होते हैं उसकी बात भी करेंगे। तो अभी तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ कोई बाहर से बैल मारे तो अंदर हमारे पास ईयरफोन या फिर जो अपना हैंड फ्री, आजकल हैंड फ्री चलते हैं तो अंदर आवाज़ आ जाए। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, बाहर से किसी ने बेल मारी, अंदर स्क्रीन पे बेल बजती है, पिक्चर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, बाहर कौन खड़ा है उसकी पिक्चर आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है, बाहर की आवाज़ अंदर आनी भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपकी आवाज़ तब बाहर जाएगी जब आप इसमें एक बटन प्रेस करेंगे टॉकिंग वाला। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो फोन है,
तो जैसे ही पिक्चर ऑन होगी यहाँ पे सारा डिस्प्ले आ जाएगा, और ये टॉकिंग का बटन है, आप इसको दबाएंगे आपकी आवाज़ अंदर बाहर दोनों तरफ जानी शट हो जाएगी। देन ये बटन है लॉक का। अब बात आती है लॉक की, कि कस्टमर चाहता है कि मैं मेन गेट पे लॉक भी लगा दूँ। अब लॉक के लिए वायर अलग करनी पड़ेगी, लॉक के लिए वायर अलग खींचनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज कस्टमर ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगवाया, ये हो गया हमारा लॉक, इलेक्ट्रॉनिक लॉक। तो इसकी वायरिंग कैसे करनी पड़ेगी गाइस, इलेक्ट्रॉनिक लॉक के बाद में जो पहला बिजली का पॉइंट है आपको वो देखना है कि वहाँ पे लगानी है पावर सप्लाई। चौथा पॉइंट आ जाता है पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई जो होती है बेसिकली हम जो लगाते हैं वो 31 वोल्ट एसी लगाते हैं, कई लोग जो होते हैं वो डीसी 12 वोल्ट डीसी से भी लॉक को ऑपरेट कर देते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से चांसेस कम होते हैं, कई बार उसमें दिक्कत आती है, कई बार आप बटन प्रेस करते हैं तो लॉक आपका ओपन नहीं होता। तो मैं प्रेफर करता हूँ 30-31 वोल्ट जो होती है एसी वाली पावर सप्लाई, वो ज़्यादा बेटर है। अब कनेक्शन कैसे होंगे, इसमें जो हमारे लॉक के कनेक्शन होते हैं वो जाते हैं बाहर, बाहर का मतलब सिंपल जो बाहर का बॉक्स है वहाँ तक। तो आपकी जो लॉक की वायर है आप छोड़ सकते हैं लॉक की वायर पावर सप्लाई तक, और पावर सप्लाई से एक वायर छोड़ सकते हैं आपके आउटडोर बॉक्स तक। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप लॉक की वायर भी बाहर छोड़ सकते हैं और पावर सप्लाई की वायर भी बाहर छोड़ सकते हैं, और यहाँ पे आप जंक्शन बना सकते हैं। अभी इसका मैं आपको बताऊंगा कि आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, अभी आपकी सिर्फ बात चल रही है कि हमारी वायरिंग किस साइड से होनी चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारी जो लॉक की तार है वो बाहर बॉक्स तक जाएगी, पावर सप्लाई बॉक्स तक जाएगी। इस वायर को भी आप 3+1 दे सकते हैं, सीसीटीवी वायर जो होती है हमारी, इसमें हमारी काम की वायर सिर्फ दो ही होती है, लेकिन एक्स्ट्रा वायर पड़ी रहेगी तो कस्टमर को लॉन्ग टाइम तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई एक आधी वायर ब्रेक भी हो जाती है तो भी हमारे पास एक्स्ट्रा वायर पड़ी होती है, तो आप ये सारी वायरिंग 3+1 या 4+1 कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारी बात आती है कि हमारा मॉड्यूल तो एक है, अब सपोज हमारा बाहर का जो बॉक्स है वो 4 बेल का लगता है, 4 बेल वाला, और हमारा जो मॉनिटर है ये हो गया ग्राउंड फ्लोर पे, एक मोटर लगा है हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, एक लगा है हमारा सेकंड फ्लोर पे, और एक लगा है हमारा थर्ड फ्लोर पे। अगर हमारे ये 4 मोटर लगे हुए हैं तो अब कनेक्शन कैसे किए जाएंगे, अब हमें वायरिंग कैसे करनी पड़ेगी। तो हमारे ये वाले सारे कनेक्शन तो सेम रहेंगे, बॉक्स से लेकर एक पहले फ्लोर तक मोटर चला गया, लॉक की तार बाहर बॉक्स तक पहुँच गई, सप्लाई की तार बाहर बॉक्स तक पहुँच गई। अब यहाँ से ही हमें दूसरी वायर उठानी है BS2 वाली, जो हमारी फर्स्ट फ्लोर पे जाएगी, एक उठानी है जो हमारी सेकंड पे जाएगी, और चौथी उठानी है जो हमारी सबसे ऊपर जाएगी। इसमें पहले एक मॉडल आता था जिसमें कि हमें जंक्शन बॉक्स लगाना पड़ता था, तो नॉर्मली पावर सप्लाई के बदले एक जंक्शन बॉक्स आता था जिसमें कि सारी वायर हमारी यहाँ से 2 वायर यहाँ पे आती थी और यहाँ से सारी वायर आगे चलती थी, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, अल्बा ऑर्बिट कंपनी का आता था। अब जितने भी मॉडल ज़्यादातर आ रहे हैं उसमें बाहर 4 बेल के जो ऑप्शन आता है उसमें बाहरी जंक्शन बॉक्स बनता है, मतलब चारों वायर आपको हर फ्लोर से लेके वायर लेके आनी है आपके आउटडोर बॉक्स तक, और वहीं से ही आप लॉक की तारें भेज देंगे और वहीं से ही पावर सप्लाई की तारें भेज देंगे। अब बात आ गई कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इसके, गाइस सबसे मेन है कनेक्शन सीखना। अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आपने बेसिक समझ लिया तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सब कुछ चल जाएगा पता कि अगर आवाज़ नहीं आ रही तो कौन सी वायर से मतलब होता है, बेल नहीं बज रही कौन सी वायर से मतलब होता है, माइनस प्लस तो मेन है ही है, वीडियो क्या मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। दोस्तों सेकेंड टॉपिक जो सबसे मेन टॉपिक है वो है हमारा कनेक्शंस वाला, कनेक्शन किस टाइप से हमें करने चाहिए, कनेक्शन किस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी जो बाहर का बॉक्स होता है बॉक्स में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। बॉक्स में गाइस एक तो 4 पिन का कनेक्टर होता है जिसमें लिखा होता है AGPV। गाइस ए का मतलब होता है ऑडियो, जी का मतलब होता है ग्राउंड, पी का मतलब होता है प्लस या पॉजिटिव, और वी का मतलब होता है वीडियो। तो आप बेसिकली समझ जाइए
कि ग्राउंड और वीडियो हमारी जो होती है वो बेसिकली कैमरे की, जैसे हम माइनस प्लस मानते हैं, आप ये समझिए ग्राउंड और माइनस हमारी वीडियो वाली तार है। अब बात आती है इसमें लॉक के कनेक्शन कैसे निकलते हैं। कई डोरफोन में दो पॉइंट निकलते हैं लॉक के, इसके भी दो कॉन्सेप्ट हैं। कईयों में स्विचिंग आती है और कई में 12 वोल्ट निकलती है, जैसे कि हॉकविजन कंपनी है उसमें 12 वोल्ट निकलते हैं। काफ़ी कंपनियों में स्विचिंग आती है, स्विचिंग भी दो तीन तरह की आती है। कईयों में एक सेकंड की स्विचिंग आती है, कई कंपनियों में चार सेकंड पाँच सेकंड की स्विचिंग आती है, जैसे कि हिकविजन है। उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ही है कि जब भी हम बटन दबाते हैं तो बार लॉक के पॉइंट में 5 सेकंड तक स्विचिंग चलती है, जो कंटिन्यू लॉक को डिस्टर्ब करती है। लॉक में कंटिन्यू 5 सेकंड तक की आवाज़ चलती रहती है और वो लॉक की क्वाइल को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसलिए मैं अपना जो हिकविजन है उसका वीडियो डोरफोन प्रेफर नहीं करता। सो गाइस, ये आप समझ जाइए कनेक्शन कैसे कैसे हैं, ए जी पी वी और ये दो पॉइंट लॉक के, या फिर कईयों में 3 पॉइंट होते हैं, जैसे कि सी पी प्लस है उसमें 3 पॉइंट होते हैं। इस 3 पॉइंट पे लिखा होता है, ये कॉमन होती है बीच वाली, ये होती है एन सी, ये होती है एन ओ। एन ओ और एन सी का मतलब क्या होता है, एन ओ का मतलब नॉर्मली ओपन, मतलब जो हमारे कनेक्शंस होते हैं वो एन ओ में करेंगे हम, तो जब हम बटन प्रेस करेंगे तो वो लॉक खुलेगा, अदरवाइज वो नॉर्मली ओपन ही रहेगा। और नॉर्मली क्लोज का मतलब उसमें स्विचिंग आती रहेगी, जब हम बटन दबाएंगे तो 1 सेकंड के लिए स्विचिंग हट जाएगी। तो ये बेसिकली होता क्यों है कि सपोज कीजिए कई जगह पे ईएम लॉक लगा होता है, अगर आपको अभी तक ईएम लॉक के बारे में नहीं पता तो आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको बेसिकली होता क्या है कि जब तक उसके पावर सप्लाई जारी होती है तब तक ही उसमें पावर रहती है और लॉक बंद रहता है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद, वैसे ही लॉक आपका ओपन हो जाता है। तो एन ओ एन सी का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले ए जी पी वी, ये 4 कनेक्शन हो गए हमारे जो कि बाहर बॉक्स तक जा रहे हैं। अब लेते हैं बात, ये हो गया हमारा बॉक्स, अब होगी बात हमारी मॉनिटर की। गाइस, मॉनिटर जो हो गया हमारा, मॉनिटर में हमारे 4 पॉइंट तो निकलते ही हैं, ए जी पी वी, ये 4 पॉइंट निकलते हैं। ये कई बार कईयों में 1 निकलता है, कईयों में 2 निकलते हैं, कईयों में 3 निकलते हैं। तो बेसिकली आउटडोर बॉक्स, जैसे किसी का 1 लगा है तो उसमें 1 ही कनेक्शन करना है। कईयों में 2 आउटडोर लगे हुए हैं कि बाहर से कोई बैल मारे तो बाहर की पिक्चर ऑन हो, बाहर वाले से बात हो, अंदर से कोई बैल मारे तो अंदर से बात हो। तो कईयों में 2 ऑप्शन होते हैं एजीपीवी के, तो उसके बारे में बाद में करेंगे। फिलहाल हमारा 1 बॉक्स है, 1 मॉनिटर है, तो उसके कनेक्शन कैसे होंगे वो देख लेते हैं। गाइड जो हमारी ए है वो हमें सिंपली ए पे देनी है, जो हमारी जी है वो हमें सिंपली जी पे देनी है, जो हमारी पॉजिटिव है वो हमारी सिंपली पी में जानी है, और जो हमारी वीडियो है वो हमारी सिंपल इसमें जानी है। तो इसमें कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, आपको ए जी पी वी बाहर से लेके अंदर ए जी पी वी मॉनिटर पे दे देने हैं। तो इससे सिंपल आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपको सिंपल ए जी पी वी, ये सिंगल बैल का बॉक्स है, 1 बैल बॉक्स, तो इसमें आपको सिंपली ए जी पी वी उठा के ए जी पी वी में दे देने हैं। अब रही बात हमारी, इसमें अगर हम लॉक लगाते हैं तो लॉक के कनेक्शन कैसे करने पड़ेंगे, वो मेन देखने की बात है। लॉक के लिए हमारा 1 पार्ट हो गया लॉक, जिसमें कि 2 पॉइंट निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं ए और ई एल, ये 2 पॉइंट लॉक में निकलते हैं। एक हो गया हमारी पावर सप्लाई, पावर सप्लाई में अभी बात कर रहा हूं, अगर हमारी यहां पे स्विचिंग आ रही है, मतलब हम बटन दबाते हैं मॉनिटर से, इन 2 पॉइंटों में स्विचिंग आ रही है तो हमें सप्लाई लगानी पड़ेगी 31 वोल्ट की, तो उसके अंदर भी 2 पॉइंट निकलते हैं लॉक के अंदर, कि इसमें जैसे ही हम मल्टीमीटर चेक करेंगे तो 31 वोल्ट इस पे आ रही होगी। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज आप ये 2 वायर ले गए यहां पे और ये 2 वायर भी ले गए यहां पे, आपकी 4 वायर बाहर बॉक्स तक पहुंच गई। अब कनेक्शन कैसे करने हैं वो आप समझ लीजिए। हमारी पावर सप्लाई की 1 वायर जुड़ेगी लॉक के साथ में, तो हम यहां पे जाके 1 वायर इसमें जोड़ देंगे, ये हमारे कनेक्शन हो गए। अब हमारे बच्चे 2 पॉइंट, मतलब ये तो हमने जोड़ दिया, सपोज हमने ए से ये, इसको मानते हैं हम ए, इसको मानते हैं ई एल, तो हमने ए से तो ए जोड़ दिया, हमने कुछ भी नहीं करा, हमने ए से उठा के दूसरे ए के पॉइंट में हमने वायर जोड़ दी। अब एक बच्चा हमारा पावर सप्लाई का पॉइंट और एक बच्चा हमारा लॉक का पॉइंट, तो जो कॉमन है 1 पॉइंट आप यहां पे दे देंगे और जो एनसी है 1 पॉइंट यहां पे दे देंगे,
ये हमारे लोकल कनेक्शंस हो गए। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं इसमें होगा क्या, जैसे ही हम मोटर से यहाँ पे लॉक का जो स्विच है, ये लॉक का बटन है, जैसे ही इसको प्रेस करते हैं, लॉक के बटन को हम दबाएंगे, इन दो पॉइंट में स्विचिंग आएगी, स्विचिंग आई, इन दोनों पॉइंट में स्विचिंग गई, ये पॉइंट शॉर्ट है, जैसे ही ये दो पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे हमारा लॉक ओपन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा आपको एक बार जब प्रैक्टिकली करेंगे, अभी आपको डायग्राम में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जितना सिंपल ये है आपको समझा दूं, आपको एक अलग एंगल से समझाता हूं इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो एक बार इसको रफ कर देते हैं ताकि मैं आपको दोबारा समझा सकूं कि आपको कनेक्शन कैसे करने हैं, थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा। गाइस, जो हमारा ए है वो हमारा जाएगा सिंपली लॉक में, अब बचा हमारा EL और EL एक लॉक का और एक पावर सप्लाई का, एक लॉक का यहाँ पे जाएगा आपका कॉमन में और एक जाएगा आपका NC में। तो डिपेंड करता है EM लॉक लगाए कि आपका इलेक्ट्रिक लॉक लगाए, उस हिसाब से आप NO और NC को अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपकी NC में क्वांटिटी शॉर्टिंग आ रही हो तो आप इसको NO में जोड़ सकते हैं, मतलब आपको देखना है कि आपके पॉइंट कौन से शॉर्ट हैं, बटन दबाने के बाद शॉर्टिंग किस में एक सेकेंड आ रही है, उन दो पॉइंट पे लगाना है अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, और अगर EM लॉक है तो जिन पॉइंट पे शॉर्टिंग कंटिन्यू रह रही है और आप बटन दबाते हैं तो स्विचिंग चली जाती है, तो उस पॉइंट में जोड़ना है, मतलब कॉमन तो कंपलसरी रहेगा रहेगा, NO और NC में से एक पॉइंट पे आपने कनेक्शन करने हैं। तो ये दूसरा डायग्राम बता दिया आपको मैंने कि कैसे आपको कनेक्शन करने हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात आती है चार बेल का बॉक्स लगाते हो तो कनेक्शन कैसे होंगे, अब उसकी बात कर लेते हैं। गाइस, लॉक का कनेक्शन सेम रहेगा, मैं लॉक को रफ कर रहा हूं लेकिन ये कनेक्शन सेम रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, चाहे सिंगल बेल का हो चाहे चार बेल का हो। गाइस, अगर हमारे चार बेल का बॉक्स होता है तो क्या होगा, उसमें क्या फर्क होता है, मैं आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर वन AGPV, AGPV नंबर टू, AGPV नंबर थ्री और AGPV नंबर फोर। तो ये हमारे चार बेल का बॉक्स होगा, तो AGPV ऑप्शन चार आ जाएंगे, लॉक की स्विचिंग वही होगी, दो पॉइंट लॉक के होंगे। तो अब बात करते हैं सेकंड मॉनिटर, थर्ड मॉनिटर, फोर्थ मॉनिटर के बारे में। तो गाइस, ये तो हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर का मॉनिटर, अब आगे बात हमारी फर्स्ट फ्लोर के मॉनिटर की, ये आगे बात हमारी सेकंड फ्लोर की, और ये आगे हमारी थर्ड फ्लोर की। हर जगह पे AGPV, हर जगह पे सेम कनेक्शन होंगे। तो आपको सिंपली हर जगह के, जैसे सपोज कि सेकंड फ्लोर पे ये सेकंड फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये हो गया हमारा सेकंड फ्लोर और ये हो गया हमारा थर्ड फ्लोर। तो ये सेकंड फ्लोर की बात करें तो A यहाँ पे दे दी, G यहाँ पे दे दी, P यहाँ पे दे दी और जो B निकली वो यहाँ पे दे दी। थर्ड की बात करें A यहाँ पे दे दी, G यहाँ पे दे दी, P यहाँ पे दे दी, V यहाँ पे दे दी, मतलब कनेक्शन से कनेक्शन करने हैं, V यहाँ पे दे दी, P यहाँ पे दे दी, ग्राउंड यहाँ पे दे दी और ऑडियो यहाँ पे दे दी। गाइस, अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि A का मतलब क्या है, A हमारा क्या रोल निभाता है। A का मतलब होता है ऑडियो, आपकी अगर ऑडियो आवाज़ कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये A का लिंक है, प्लस में अगर बेल भी नहीं आ रही है या बेल ज़्यादा कंटिन्यू बज रही है तो भी A का लिंक है, मतलब A की तार से अगर आपकी हटी हुई है तो आपकी बेल नहीं बजेगी और ऑडियो नहीं आएगी। ग्राउंड और टी, मतलब ग्राउंड और पॉजिटिव का मतलब होता है माइनस और प्लस, ये होगी माइनस, ये होगी प्लस। तो इसका सिंपल सा समझ जाइए कि आपको ग्राउंड और प्लस में ए और जी, मतलब जी और पी, ग्राउंड और प्लस हो गई, और वी हो गई हमारी वीडियो। अगर आपकी वीडियो नहीं आ रही सामने, कैमरे की वीडियो सामने नहीं चल रही, तो ये वीडियो का लिंक है। अब गाइस, कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी वायर डली है 3+1, तो इसको एक बार रफ कर देते हैं किस टाइप से कनेक्शन करने हैं। गाइस, जैसे हमारी वायर जो होती है 3+1 की जो वायर होती है, इसकी बात करूं तो इसमें एक तार होती है वीडियो वाली जो हम कहते हैं कॉक्सल केबल, एक उसकी होती है अर्थिंग वाली वायर जो जाली वाली वायर होती है,
और कुछ तारों में होती है ब्लू, रेड, येलो। ये तीन तारे चेंज हो सकती हैं, किसी में ब्लू कलर होता है, किसी में ब्लैक कलर होता है। तो ये चीज आप समझ जाइए कि आपकी जो मेन तार होती है वो होती है वीडियो और अर्थिंग। तो आपने वीडियो के तार को हमेशा वी में जोड़ना है, अर्थिंग के तार को हमेशा जी में जोड़ना है। मतलब ए जी पी वी की बात करूं तो ग्राउंड हमेशा आपकी जाली वाली और वीडियो हमेशा आपकी ये वाली। बाकी दो तीन वायर बची है, तीन में से आप जो चाहो वो कनेक्शन कर सकते हो, क्योंकि ये पतली पतली वायर होती है। ब्लू को आप दे सकते हो ऑडियो, रेड को आप दे सकते हो पॉजिटिव, येलो को आप स्पेयर कर सकते हो या फिर किसी में पैरेलल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी ग्राउंड और वीडियो की तार है वो आपने अर्थिंग और वीडियो की जो मेन गोल्डन कलर की तार होती है उसी में जोड़ना है, तभी आपकी क्लियरिटी अच्छी आएगी। गाइस मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी कनेक्शन करके दिखाऊंगा, वीडियो डोरफोन के फंक्शन दिखाऊंगा, तो आपको लेकर चलूंगा सिर्फ वीडियो डोरफोन कनेक्शन करने के लिए प्रैक्टिकली, ताकि आपके माइंड में जो थोड़ा सा डाउट रह गया है वो भी क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस ये हो गया हमारा बाहर का बॉक्स, ये हो गया हमारा मॉनिटर। सो बेसिकली इसके पीछे हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, अगर थोड़ी सी क्लियरिटी आपको दिखाई दे तो इसमें कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। सो गाइस इसमें होता है ए जी पी वी, इसमें जो लिखा हुआ है ऑडियो ग्राउंड 12 वोल्ट वीडियो, तो मेन वही है कि इसमें ए जी पी वी को थोड़ा सा अलग तरीके लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ऑडियो ग्राउंड 12 वोल्ट और वीडियो, तो वीडियो तो वीडियो ही है, ग्राउंड ग्राउंड ही है, ऑडियो ए है और जो 12 वोल्ट है वो पी है, तो कनेक्शन ऑलमोस्ट सेम है। और इसमें तीन पॉइंट और दिए हुए हैं जो कि है एन ओ, कॉमन और एन सी। तो बेसिकली ये जो चार तारे हैं, अगर इन चार तारों की बात की जाए तो इसमें जो हमारी वाइट है वो हो गई ए, जो हमारी ब्लैक है वो हो गई ग्राउंड, जो हमारी रेड है वो हो गई 12 वोल्ट मतलब प्लस, और जो हमारी येलो है वो हो गई हमारी वीडियो। और इसकी बात करें तो जो रेड है वो कॉमन है हमारी, और रेड के अलावा दो पॉइंट हमारे जो हैं, एक तो हो गई एन ओ येलो और एक हो गई हमारी ब्लैक जो कि एन सी वाली तार है हमारी। तो सिंपल से कनेक्शन है जो कि हमें करने हैं। और हम बात करें वीडियो फोन के पीछे की, गाइस इसमें पहला पॉइंट है 12 वोल्ट ग्राउंड, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अडोप्टर है, इसमें एक अडोप्टर साथ में आता है, आपको दिखाता हूँ अडोप्टर भी। तो बेसिकली ये इसका अडोप्टर है जो कि 12 वोल्ट देता है 2 एम्पेयर का। तो इसमें दो पॉइंट हैं, तो ये दो पॉइंट बेसिकली इस वाले पॉइंट में इंसर्ट हो जाएंगे जो कि इसको 12 वोल्ट और ग्राउंड देंगे। तो ये तो चीज़ हो गई। अब साथ में कनेक्टर आता है इसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसके चार पॉइंट दिए हुए हैं इसने, तो किसी भी एक पॉइंट पे आप इसको लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जोड़ने के लिए दिया हुआ है, अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मेरे एक्स्ट्रा कैमरा लग जाए जो कि इस डिस्प्ले पे आ जाए, तो वो यहाँ पे कनेक्शन भी कर सकता है। तो अब इसके कनेक्शन कैसे हैं वो देख लेते हैं। इस पर क्या क्या लिखा हुआ है गाइस, इस पर लिखा हुआ है ऑडियो, ये वाइट है ऑडियो, ग्राउंड ये ब्लैक है, PW1 का पावर हो गई मतलब कि 12 वोल्ट वो रेड है, और येलो हमारी हो गई वीडियो। गाइस आपको चेक जरूर करना है क्योंकि आपको ऑडियो से ऑडियो ही जोड़ना है। तो इसमें पहले हम 3+1 के कनेक्शन कैसे करेंगे, फिर हम उसके कनेक्शन कैसे करेंगे आपको बताता हूँ सारा का सारा। तो मेरे पास एक 3+1 की वायर है जिसको मैं कनेक्ट करने वाला हूँ इस वाले सिस्टम पे, तो एक बारी छील देते हैं इस वायर को। इसमें जैसा को बताया था मैंने ब्लू येलो एंड रेड, और ये हो गए हमारे कोएक्सल केबल, तो इसको एक बार छील लेते हैं। छीलने के बाद इस वायर को आप ऐसे निकाला कीजिए ताकि आपकी दोनों वायर अलग अलग हो सके, कई लोग ऐसे ही छील देते हैं और बाद में फिर वो शॉर्ट होने का डर रहता है। कई अगर आप ऐसे निकाल देंगे तो आपकी ग्राउंड नीचे नीचे रह जाएगी और आपकी वीडियो ऊपर ऊपर रह जाएगी। तो एक बार इसको छील लेते हैं। मैं इसमें जो कनेक्शन यूज़ करने वाला हूँ वो ब्लू में ऑडियो करने वाला हूँ, रेड को मैं पॉजिटिव करने वाला हूँ और येलो को मैं छोड़ने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव मतलब PW, तो इससे मैं रेड से रेड जोड़ देता हूँ। अब आगे बात हमारी ऑडियो की, ऑडियो से मुझे जोड़ना है जो कि वाइट है, मुझे जोड़नी है ब्लू। जैसे कनेक्शन मुझे यहाँ पे करनी है सेम कनेक्शन मुझे नीचे करनी है, तो सिंपली मैंने ऑडियो भी जोड़ दिया। अब आती है बात हमारी वीडियो की, तो जो हमारी येलो है उसको मैं जोड़ दूंगा गोल्डन वायर से, जो आपको बताया था मैंने कि वीडियो की तार हमेशा गोल्डन वायर से होनी चाहिए और जो ग्राउंड है वो हमेशा जाली वाली वायर से होनी चाहिए।
गाइस इसमें आपको कोशिश करनी है कि कोई भी कनेक्शन शॉर्ट ना हो आपस में, तो इसलिए मैं इसमें एक बार टेप भी लगा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। गाइस मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसमें कनेक्शन कैसे करते हैं, कई लोग काफी लूज कनेक्शन करते हैं। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट कनेक्शन टेम्पली करके, लेकिन एक्चुअल में कनेक्शन आपको कैसे करनी चाहिए आपको वो भी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि वो भी सारी चीज क्लियर करूंगा। तो हमारा अंदर जो स्क्रीन है उसमें कनेक्शन हम कर चुके हैं, ये हमारी स्क्रीन कनेक्शन हो चुके हैं। इसको साइड कर देते हैं और वायर का दूसरा कोना पकड़ लेते हैं। कहीं दिया गया हमारी वायर का दूसरा कोना, तो एक बार इसको भी छील लेते हैं। इसकी भी वीडियो और जाली को अलग अलग कर देते हैं। हमारा बॉक्स आ गया, तो बॉक्स में हमारा ऑडियो वाइट थी तो वाइट से ब्लू जोड़नी थी, वो जोड़ देते हैं। वीडियो हमारी येलो थी, रेड हमारी रेड ही थी मतलब पॉजिटिव पावर वाली, तो वो रेड से रेड जोड़ देते हैं। और ब्लैक हमारी माइनस थी तो उसे हम अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अगर आप अर्थिंग और वीडियो को सही से यूज में नहीं लेंगे तो क्लियरिटी के कम होने के चांसेस हैं। चल तो फिर भी जाएगा लेकिन क्लियरिटी काफ़ी कम आएगी। तो एक बार इसको भी हल्की सी टेप लगा देते हैं ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि 12 वोल्ट की चीज़ है, 12 वोल्ट आपस में शॉर्ट होगी तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम को डैमेज कर सकती है। तो इसको आपको टेप प्रॉपरली मारनी है। और कोशिश कीजिए जब भी आप वीडियो फोन इंस्टॉल करें तब भी एक बार वायर जो चेक कीजिए। कई बार बिल्डर्स वायरिंग कर देते हैं, वो तो वायर चेक करते नहीं हैं और वो वायर शॉर्ट होगी तो आपका सिस्टम शॉर्ट हो सकता है। तो सिंपली मैं AGPV की जो दो तारे चार तारे हैं इनको टेप मार देता हूँ ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट का चक्कर ना रहे। तो मेरे कनेक्शंस हो गए हैं, ये मेरा बॉक्स रहा और ये मेरा मॉनिटर रहा। तो बेसिकली मेरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मुझे देना क्या है, मुझे अडैप्टर को पावर देनी है। तो एक बार इसको पीछे कर देते ताकि दिखने में इतना बुरा ना लगे आपको और समझ में आ सके सारी चीज़ें। और इसको भी थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब ये दो चीज़ें हमारी पड़ी हैं यहाँ पे और इस अडैप्टर से पावर सप्लाई दे देते हैं एक बार। गाइस मैंने पावर दे दी है अपने फ़ोन में। तो अब अगर कोई बाहर से बेल मारेगा तो आप देख सकते हैं अंदर ऑटोमेटिकली पिक्चर आ जाएगी। अगर मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखाऊं थोड़ी सी क्लियरिटी कम होगी क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पे लाइट का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी पिक्चर ऑन हो गई। अब आपको अगर बात करनी है तो आपने ये बटन दबाना है, अभी एकदम क्लोज में है। हेलो 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 हेलो, अब जो अंदर हम बोल रहे हैं वो आवाज़ बाहर जा रही है, जो बाहर बोल रहे हैं वो आवाज़ अंदर आ रही है। गाइस एक बार ये आवाज़ को बंद कर देते हैं, डिस्टर्बिंग काफ़ी ज़्यादा है। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद एक आशा मैं कर सकता हूँ कि जिन्होंने भी इस वीडियो को आराम से अच्छे तरीके से पूरी वीडियो देखी है उनके मन से जो इंस्टॉल करने का डर था, जिनको लगता था कि वीडियो डोरफोन इंस्टॉल करना मुश्किल है, उनको अब लगेगा कि CCTV कैमरा इंस्टॉल करने से भी आसान वीडियो डोरफोन इंस्टॉल करना है। और गाइस उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो की क्लैरिटी, वीडियो में साउंड क्वालिटी, काफ़ी बीच में दिक्कतें आई थी एक दो वीडियो में जिसमें कि क्लैरिटी सही नहीं आई थी। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपने क्वेश्चंस जो भी आपके मन में डाउट रह गए हैं वो रिप्लाई कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बनाऊँ, आपके जो भी डाउट हैं उनको भी ख़त्म किया जाए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक पर क्लिक करें, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, आपके कमेंट मुझे इंस्पायर करते हैं जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। सो प्लीज़ आपके जो भी कमेंट्स हों, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल मेरी वीडियो पे, तो बहुत खुशी होती है। उससे मेरा कोई प्रॉफिट तो नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं एक जोश पैदा होता है कि हाँ भाई मेरे जो यूज़र हैं, चाहे मेरे व्यू कितने भी आ रहे हैं लेकिन जितने व्यू आ रहे हैं उनमें से कितने लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, कितने लोग मेरी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। सो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइस मेरे चैनल पे CCTV कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, शटर लॉक, मतलब CP+, सिक्विजन, दहुआ, TVT, इन सभी जो कैमरे की रिगार्डिंग वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप CCTV लाइन से लिंक रखते हैं तो आपके काम का ये चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं
साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके फ्यूचर की नोटिफिकेशन को एनेबल कर सकते हैं कि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। उसकी कुछ मेरी अर्निंग नहीं होती, उसमें कुछ आपका जाता नहीं है, सिर्फ एक सब्सक्राइबर बढ़ने का मतलब ये होता है कि मेरी वीडियो पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मेरी वीडियो लोगों को पसंद आ रही है। तो जस्ट मैं इसी बात के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को इतने एंड तक देखा। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।